असलकम स्टूडेंट्स अलजेब्रा लेक्चर नंबर टेन टॉपिक है हमारा आज का डायमेंशन थ्योरम एक लंबा ब्रेक आ गया था लेक्चर्स में बहरहाल वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ठीक है तो आज हमने पढ़ना है डायमेंशन थ्योरम उसी से ही इसको आगे कंटिन्यू करते हैं रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस में हमने रैंक uh, भी पढ़ा था ठीक है डायमेंशन रैंक ऑफ मेट्रिक या डायमेंशन ऑफ मेट्रिक ठीक है आज हमने बेसिकली पढ़ना डायमेंशन थ्योरम डायमेंशन थ्योरम एक्चुअली है क्या ये हमें एक रिलेशन देता है बिटवीन रैंक न्यूलिटी एंड डायमेंशन ऑफ अ मेट्रिक कि फर्स्ट कर लें कि आपके पास कोई भी मैट्रिक है ठीक है एम बाई एन मैट्रिक है एम बाई एन मैट्रिक है ठीक है ए आई जे देन ये है कि उसमें एम रोज है एंड एन कॉलम्स हैं देन ये है कि जब आप उस मैट्रिक्स से नल स्पेस निकालेंगे ठीक है जो भी उसकी नल स्पेस आएगी दैट मस्ट बी सब स्पेस ऑफ आर एन आर एन क्या है इक्लेटिन स्पेस विद एन कंपोनेंट्स, एन क्या है नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक ए ठीक है ए एक मैट्रिक था एम बाई एन जिसमें एम रोज थी एन कॉलम्स थे या दूसरी वक्त में यूँ कहें कि एम इक्वेशन हैं और एन नंबर ऑफ अन हैं ठीक है नंबर ऑफ़ अन नोन्स करते हैं नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक ठीक है ना एन नंबर ऑफ कॉलम है देन ये है कि जो इस मैट्रिक की नल स्पेस आएगी उस नल स्पेस में कितनी रोज होंगी ठीक है उस नल स्पेस की जो बेसिस होंगी बेसिस में कितनी रोज होंगी एन नंबर रोज होंगी ठीक है जितनी इसमें कॉलम जितने हमारे इस मैट्रिक ए में कॉलम होंगे ठीक है उतने ही उसके नल स्पेस में रोज होंगे ये बात ठीक है अब ये है कि नल स्पेस की जो डायमेंशन है डायमेंशन क्या होती है नंबर ऑफ वैक्टर इन अ बेस सेट ठीक है अब ये है कि नल स्पेस की जो डायमेंशन है वो जो डायमेंशन है वो कित वो क्या है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज़ इक्वल टू एन माइनस आर वेयर एन इज़ नंबर ऑफ कॉलम इन ए एंड आर इज़ रैंक ऑफ द मैट्रिक ए ठीक है अगेन अगेन आई रिपीट नल स्पेस ऑफ ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर एन ऑफ डायमेंशन एन माइनस आर बेसिकली यह हम डायमेंशन देख रहे हैं डायमेंशन या रैंक देख रहे हैं नल स्पेस की और मैट्रिक ए की ठीक है नल स्पेस या नल स्पेस ऑफ ए जो है उसकी जो डायमेंशन है उसको अगर आप फर्ज कर लें के के इक्वल कर दें दैन के इज़ इक्वल टू एन माइनस आर एन क्या है नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक ए एंड आर इज़ नंबर ऑफ आर सॉरी आर इज़ डायमेंशन या रैंक ऑफ द मैट्रिक ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायमेंशन थ्योरम ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा फर्दर क्लासेस में और इसके ऑब्जेक्टिव uh, के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और इवन के लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है ठीक है बस इसका कॉन्सेप्ट ले लें इसको आप अच्छे से समझ लें कि इसमें यहाँ रिलेशन हमें दिया किस के बारे में जा रहा है ठीक है नियलिटी रैंक एंड नंबर ऑफ कॉलम इन द मेट्रिक ए ठीक है बेसिकली इन तीन कंपोनेंट्स के बीच ये रिलेशन है ठीक है उसके बाद एक छोटा सा थ्योरम है या यूं कह लें एक क्रॉलरी है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अगर आपके पास कोई नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है देन वो कंसिस्टेंट कब होगा उसका सोल्यूशन कब कन्फर्मली uh, एग्जिस्ट करेगा उसके लिए हमारे पास एक केस uh, है एक केस तो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में फर्दर यहाँ पर हमने एक न्यू केस पढ़ना है जिसके मुताबिक ये है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी है ठीक है कोई सिस्टम है मैट्रिक का एक्स इज इक्वल टू बी जस्ट कंसिडर कि आपके पास सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी ठीक है नॉन होमोजीनियस सिस्टम है मैट्रिक्स ए है ठीक है एक्स इक्वल टू बी अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप ए को स्प्लिट करें ठीक है ए को स्प्लिट करें इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैट्रिक एंड उसका जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं देन वो आपको मैट्रिक बी uh, दे एग्जैक्ट exactly एग्जैक्टली द कॉलम वैक्टर बी इन राइट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन अगर ऐसा हो रहा है देन आप कहेंगी कि जो मैट्रिक ए है दैट इज कंसिस्टेंट उसका एक कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ठीक है अगर ऐसा पॉसिबल है कि वी कैन राइट बी इन द कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक ए ठीक है देखिए यहाँ क्लियरली आपको मैथड दिखा रहे हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक है ठीक है कॉफिजन मैट्रिक एक्स कॉलम मैट्रिक इज़ इक्वल टू बी सिंपली इनको मल्टीप्लाई करें ठीक है यहाँ मैट्रिक की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि जब भी आपके पास मैट्रिक्स की मेट्रिक uh, में एडिट फॉर्म में हो ठीक है कंपोनेंट डिफरेंट हम उसको तोड़कर स्प्लिट करके उसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में राइट right कर लेते हैं ठीक है ये उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करें ये ए वन वन ए टू वन ए थ्री वन सो वन एम वन ठीक है ये बन गया एक कॉलम ठीक है जिसमें x1 जो है वो कॉमन था कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लिया और जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स थे उनको एज इट इज़ राइट कर दिया सिमिलरली यहाँ पर भी ठीक है और हर एक कॉलम ऐसे करके इसको हमने अलग कर लिया अगर अब ये चीज़ ये सोल्यूशन ये सिस्टम एग्जिस्ट तब करेगा जब यूनिकली एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इनकी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी ठीक है जब इनकी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी तभी ही ये केस ये इक्वेशन होल्ड करेगी ये मैट्रिक इक्वेशन होल्ड करेगी अदरवाइज़ नहीं करेगी ठीक है तो बेसिक काम ये यह है यहाँ पर कि आपने देखना होगा कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की कोई ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है कि आप ये वाली फॉर्म बना सकें ठीक है ज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द लास्ट इक्वेशन दैट द कॉलम वैक्टर बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम वैक्टर ऑफ ए इट फॉलोज दैट नॉन होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी विल बी कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ द वैक्टर बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम वैक्टर ऑफ ए अगर बी को आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम वैक्टर ऑफ ए राइट कर लें दैन तभी आप कहेंगे कि जो बी वैक्टर है वो क्या है सॉरी बी नहीं तभी आप कहेंगे जो वैक्टर ए मेट्रिक ए था वो कंसिस्टेंट है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ठीक है आगे इसी को थ्योरम के फॉर्म में दे रहे हैं कि नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू बी इनका इज कंसिस्टेंट इफ़ एंड ओनली इफ बी इज़ इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए कॉलम बी कॉलम ए की कॉलम स्पेस में कब होगा बी ए कॉलम स्पेस में तब होगा जब ए की कॉलम स्पेस को आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए और वैक्टर बी आए ठीक है उस वक्त में आप कहेंगे बी इज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए दैन इसके क्वेश्चन भी आगे फर्दर करेंगे जब उसको तो फिर देखिएगा क्रोलरी है सिंस द कॉलम स्पेस ऑफ द एम बाय एन मैट्रिक एंड द कॉलम स्पेस ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक एम प्लस एम क्रॉस एन प्लस वन मैट्रिक देखे ये मैट्रिक्स ए है एम बाय एन ठीक है ऑगमेंटेड मैट्रिक एंड बी ठीक है पार्टीशनिंग की हुई है इसका रैंक क्या होगा एम क्रॉस एन प्लस वन इसमें एक कॉलम के एडिशन हो गया और वो जो एक कॉलम एडिट हुआ है वो क्या है बी uh, ठीक है बी जो हमने ये हमारा जो ये वाला भी होता है ठीक है यहाँ पर एडिट कर देखिए तो इसकी कॉलम में इजाफा हो गया एम बाई एन प्लस में बाकी ये है वहीं वाला ठीक है इज़ सेम इफ इट फॉलो फ्रॉम द अबव थ्योरम दैट द सिस्टम एक्स इक्वल टू बी विल बी कंसिस्टेंट इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड बी ये प्रीवियसली क्लासेज में पढ़ चुके होंगे मैथमेटिकल मैथड में कि अगर दोनों का रैंक रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए एंड बी सेम आ गया देन आप कहते थे कि जो आपका सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी है ये कंसिस्टेंट है ठीक है एक ये वाला थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं नेक्स्ट जो हमने थ्योरम पढ़ा है वो ये है कि अगर बी लाई करता है इन द कॉलम स्पेस ऑफ द ए देन यू कैन वी कैन से जो मैट्रिक ए था वो कंसिस्टेंट है ठीक है फर्दर है फंडामेंटल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और इसको ऑब्जेक्टिव में फर्दर यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इसके क्वेश्चन आते हैं ठीक है एक इस इसी के क्वेश्चन आते हैं देखें फॉलोइंग थ्योरम समराइज ऑल द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैट्रिक्स यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंट मैट्रिक्स और डिफरेंट जो थ्यूरम्स है उनको कंबाइन करके इसको फंडामेंटल थ्योरम की फॉर्म में राइट किया गया है कि अगर इनमें से कोई एक स्टेटमेंट भी देखें यहाँ पर नाइन स्टेटमेंट्स है अगर इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हो रही है दैन उस एक के ट्रू होने के बाद हम कहते हैं कि बाकी की सारी आठ स्टेटमेंट भी ट्रू है ठीक है देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या फॉरन एन बाई एन मैट्रिक ए ठीक है कि हम जिस मैट्रिक की बात कर रहे हैं दैट इज़ अ स्केयर मैट्रिक ठीक है एक स्केयर मैट्रिक है देन अगर इनमें से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो रही है देन आप कह सकते हैं कि बाकी की सारी की सारी स्टेटमेंट भी ट्रू हो रही है सेटिस्फाई कर रही हैं ठीक है बस शर्त यह है कि आपको जो मैट्रिक ए है वो स्केयर होना चाहिए ठीक है एन बाई एन होना चाहिए ठीक है फर्स्ट कह लें कि आपके पास एक एन बाई एन मैट्रिक है ठीक है एन और उस पर एक कंडीशन ट्रू हो जाए कि ए है जो है वो नॉन सिंगुलर है दैन अगर अगर कोई स्केयर मैट्रिक नॉन सिंगर है दैन जाहिर सी बात है उसका डिटर्मिनट नॉन जीरो होगा ठीक है अगर वो नॉन होमजीनस है दैन बी यूनिक होगा अगर होमजीनस है देन ट्रीवल सोलूशन एक्जिस्ट करेगा ठीक है ना और ए इज़ रो इक्वल टू आई एन क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि आप उस मैट्रिक ए के ऊपर रो ऑपरेशन लगाएं और उसको जो है आराम से बड़े ही आराम से उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक में ठीक है यहाँ तक ये यह हो गया उसके बाद यह कि ए कैन बी एक्सप्रेसड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स कि आप उसकी परटिस्टिंग भी कर सकते हैं उसको एलिमेंट्री मैट्रिक के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं ठीक है और यह है कि उसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं ठीक है एल यू डी कम्पोजन ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एल यू डी कम्पोजिशन मैथड के कोई भी मैट्रिक हो ठीक है अगर अगर वो नॉन सिंगुलर है देन आप उसकी उसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं उसके फैक्टर बना सकते हैं ठीक है ना तो ये भी ट्रू हो सक हो जाएगी यहीं पर ही कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो देन आप बाकी सारी स्टेटमेंट इसके ऊपर खुद ही अप्लाई कर दें ठीक है उसके बाद यह कि ए हैज़ रैंक एन हर हाल में ऐसा ही होगा कि जब भी आपके पास कोई एन बाय एन मैट्रिक हो और उस आ, और वो नॉन सिंगुलर देन आप उसका कह सकते हैं कि उसका जो रैंक है वो भी एन है रैंक एन होने का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जब आप उसको एच फॉर्म में या रिड्यूस एच एल में करेंगे कन्वर्ट दैन जो उसकी नॉन जीरो रोज आएंगी वो कितनी होंगी एन ही होंगी ठीक है एट्थ है द रोज ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड द कॉलम्स ऑफ ए आर आल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या मतलब है लीनली इंडिपेंडेंट का इसका मतलब ये है कि आप किसी एक रो को किसी दूसरी रो से ऑप्टेन नहीं कर सकते ये ना हो कि किसी रो को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें देन आर वन और आर टू सेम हो जाए अगर ऐसा हुआ देन उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज है मैट्रिक की कि जब भी दो मैट्रिक्स की रोज़ या कॉलम इंट्वि... सेम हो जाएंगे आइडेंटिकल देन उस रत् में उसका डिटर्मिनंट जीरो होगा दैन मैट्रिक क्या हो जाएगा नॉन सिंगुलर ठीक है नॉन इन्वर्टिबल ठीक है ना तो लीनियरली वो डिपेंडेंट हो जाएंगे ठीक है लेकिन हमारी प्रॉपर्टी क्या है हमारे फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि जब भी आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक होगा स्क्वायर मैट्रिक ठीक है अगर वो नॉन सिंगुलर है देन रोज़ और लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कि आप एक रो को दूसरी रो से ऑप्टेंट नहीं कर सकते सिमिलरली फॉर द कॉलम्स की कॉलम्स जो है वो भी क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है यू का क्या आप जो है ना एक कॉलम को दूसरे कॉलम से ऑप्टेंट नहीं कर सकते ठीक है लीनियरली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसे कि हम वेक्टर uh, अल्जेब्रा <coughs> में पढ़ते हैं हम कहते हैं कि टू वेक्टर्स आर सेट टू बी पैरेलल इफ़ यू इज़ इक्वल टू इफ़ यू इज़ इक्वल टू सी वी ठीक है अगर ऐसा हम कहते हैं कि इफ़ यू इज इक्वल टू सी वी यू एंड वी आर वैक्टर्स ठीक है ये पैरल है कब वेन यू इज इक्वल टू सी वी सी इज़ अ कॉन्स्टेंट ऐसा ही ना कि आप यू को वी से ड्राइव करें या वी को यू से ड्राइव कर रही हैं ठीक है, है ना तो ये केस क्या होता है वैन यू एंड वी आर सम कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर पैरल होंगे ठीक है देन अगर इसका भी हम मेट्रिक बनाए तो ये क्या होगा लीनियरली डिपेंडेंट है ठीक है हमारे केस क्या है लीनियरली इनडिपेंडेंट ठीक है ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स इक्वल है अगर इसमें से कोई एक ट्रू हो गई देन बाकी की सारी जो है वो खुद ब खुद ट्रू हो जाएंगे ठीक है मैं कहती हूँ फर्ज कर लें कि हमारे पास कोई मैट्रिक है स्केयर मैट्रिक है ऑफ ऑर्डर थ्री ठीक है थ्री बाई थ्री और उसका रैंक थ्री है देन आप खुद ब खुद कह दें कि चूंकि स्केयर मैट्रिक है ऑर्डर थ्री बाय थ्री और उसका रैंक भी थ्री है देन वो नॉन सिंगुलर भी है इन्वर्टिबल भी है उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है डिटर्मिनट भी नॉन जीरो है अगर नॉन होमोजनियस वो हो जाए सिस्टम देन उसका जो रिक्सेशन बी भी एक्जिस्ट कर यूनिक सोलूशन एक्स भी एक्सिस्ट करते हैं एक्स इक्वल टू एनवर्स भी अगर उसको हमोजिनिस्ट कर दें देन उसका जो यूनिक सोल्यूशन होगा वो क्या होगा ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन जीरो जीरो ठीक है और वो रो इक्वलेंट भी है टू तो आई एन ठीक है और उसके जो रोज एंड कॉलम्स हैं दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ठीक है ना किसी एक के ट्रू होने के बाद बाकी सारी खुद ब खुद ट्रू हो जाएंगी खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएंगी ठीक है ना यहाँ तक उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट टाइम कुछ छोड़ दिए थे मैंने Uh, आज क्वेश्चन सिक्स को देखना था कि फ़ाइंड बेसिस फॉर द नल स्पेस ऑफ ए ठीक है बहुत ही डीपली इसको कर चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक हो उसकी नल स्पेस फाइंड करके बताए थे आपने कि बेसिस क्या है ठीक है और कंप्यूट रैंक ऑफ है रैंक भी निकाल चुके हैं मैट्रिक का कोई भी मैट्रिक हो उसका रैंक निकालने का तरीका क्या है कि सिंपली आप उसको कन्वर्ट करें एक्सलन फॉम एंड जस्ट काउंट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस ठीक है वो क्या होता है उस मैट्रिक का रो रैंक ठीक है और ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक का रो रैंक एंड कॉलम रैंक जो है वो इक्वल है दिस इज द डायमेंशन थ्योरम फॉर द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ द मैट्रिक ठीक है फर्दर आज हमने वेरीफाई करना है डायमेंशन थ्योरम को ठीक है डायमेंशन थ्योरम दो थे एक तो था कि रिलेशन था बिटवीन रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस का एक आज पढ़ पढ़ रहे हैं कैन्यूलिटी एंड uh, <coughs> रो एंड डायमेंशन ऑफ मैट्रिक एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द मैट्रिक ठीक है तो आज इसको हमने देखना है वेरीफिकेशन करें डायमेंशन थ्योरम की दो क्वेश्चन है इसमें से एक मैं आपको दिखाती हूँ सॉल्व देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है वेरीफाई द डायमेंशन थ्योरम तो मैट्रिक्स ये है ठीक है फोर बाय थ्री ऑर्डर है फोर नंबर ऑफ रोज एंड थ्री नंबर ऑफ कॉलम है अगेन जरा इसको रिपीट कर लें कि डायमेंशन थ्योरम एक्चुअली था क्या डायमेंशन थ्योरम ये है कि कोई भी आपके पास एन बाय एम बाय एन मैट्रिक हो जिसमें एम रोज एंड एन कॉलम है ठीक है एंड रैंक ऑफ द मैट्रिक ए इज इक्वल टू आर देन नल स्पेस जो है वो सब स्पेस है आर एन का आर एन क्या है एक स्पेस ऑफ ऑर्डर एन मतलब ऐसी स्पेस जिसमें एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे ठीक है और जो नल स्पेस है उसकी डायमेंशन क्या है डायमेंशन या उसका रैंक क्या है रैंक और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जो है इज इक्वल टू एन माइनस आर वेर एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक एंड आर इज़ रैंक ऑफ द मैट्रिक ए अब इसको वेरीफाई भी करते हैं क्वेश्चन के जरिए देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन किया हुआ है एक ए इज़ फोर बाई थ्री मेट्रिक ठीक है स्पेस निकालते हैं जैसे निकालने का तरीका था ए और एक्स इक्वल टू जीरो कर लें ठीक है ए और जीरो की पार्टिशनिंग कर ली बेशक आप जीरो को शो ना करें क्योंकि जीरो को जीरो um, ही है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडिशनल मल्टीप्लीकेशन ठीक है देखिए एच फॉर्म इसको रिड्यूस एच फॉर्म में कन्वर्ट करी यहाँ पर वन आने के बाद इनको जीरो करना है ठीक है लीडिंग वन इन फर्स्ट रो और उसके बाद जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो ठीक है डिफरेंट ऑपरेशन लगाते गए हैं और ये सेकेंड लीडिंग एलिमेंट आ गया उसके बाद अच्छा यहाँ पर देखें लकीली ये हो गया कि सेकेंड लीडिंग एलिमेंट के बाद यहाँ पर बाय चांस जो हमारा ये ए थ्री थ्री है ये भी ज़ीरो हो गया ठीक है क्योंकि दो रोज़ पूरी की पूरी ज़ीरो हो गई तो आगे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है ना यहाँ तक ये काफ़ी अब अगर इस मैट्रिक्स को आप कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैन ये बनेगा एक्स वन प्लस ज़ीरो एक्स टू प्लस वन बाई टू एक्स थ्री इज़ इक्वल टू जीरो ठीक है और यहाँ से एक्स टू माइनस वन बाई टू एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो और ये इनको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जीरो ही हो रहे हैं ठीक है इसको कन्वर्ट किया हमने इक्वेशन के फॉर्म में अब इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने देखा कि एक्स वन एक्स टू लीडिंग एलिमेंट्स हैं ठीक है दो इक्वेशन में और डिपेंड कर रहे हैं एक्स थ्री के ऊपर ठीक है एक्स वन एंड एक्स टू आर लीडिंग एलिमेंट्स एंड दैट डिपेंड्स ऑन एक्स थ्री सो मैंने कहा कि अगर एक्स थ्री को मैं कोई एक्सटर्नल वेरिएबल खुद से असाइन कर दूँ फॉर एक्जाम्पल एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स दैन एक्स वन एंड एक्स टू विल बी दिस वन एक्स वन इज इक्वल टू हाफ माइनस हाफ एस एक्स टू इज इक्वल टू हाफ एस ठीक है तो नल स्पेस क्या बनी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इनकी वैल्यू सब चूट कर देंगे माइनस वन बाई टू एस एक्स वन की वैल्यू एक्स टू की वैल्यू वन बाय टू एस एंड एक्स थ्री की वैल्यू एस एस इज कॉमन फैक्टर उसको बाहर लिया तो नल स्पेस क्या बनगी एस इंटू माइनस वन बाय टू वन बाय टू एंड वन देखें जरा थ्योरम क्या था डायमेंशन थ्योरम डायमेंशन थ्योरम में ये था कि जो भी आपकी नल स्पेस होगी ना ठीक है नल स्पेस ठीक है नल स्पेस इज सब स्पेस ऑफ आर एन आर एन एन क्या था एन वाज नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक ए जरा ए को देखें एन में कितने कॉलम है वन टू एंड थ्री तीन कॉलम्स हैं ए में और नल स्पेस जो मेरे पास आई है उसमें देखें उसका ये बेस है ठीक है नल स्पेस की ये बेस है ठीक है ना एस का लिनर कॉम्बिनेशन करेंगे ये नल स्पेस की ये बेस है ठीक है इस बेस में देखें कितने कंपोनेंट्स हैं वन टू थ्री तो दिस इज द सब स्पेस ऑफ आर एन ठीक है One, two, so ये नल स्पेस आ गई क्योंकि नल स्पेस इसी एक एलिमेंट से ही जनरेट हो रही है तो मतलब कि नल स्पेस का सिर्फ एक ही बेस फैक्टर और ये है तो मतलब क्या हुआ रैंक ऑफ नल स्पेस या डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या बन गई वन ठीक है ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड अब राइट हैंड साइड करिए हैं कि वाकई में ये एन माइनस आर है भी सही या नहीं मतलब कि हमने इस मैट्रिक ए का रैंक भी निकाला इस मैट्रिक ए का रैंक यहाँ से आ जाएगा देखिए रैंक क्या होता है कि जो भी आपका मैट्रिक है उसको रिड्यूस एचल फॉर्म में कन्वर्ट करें एंड देन जस्ट काउंट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन दैट मैट्रिक नॉन जीरो रोज़ कितनी हैं दो हैं ठीक है नॉन जीरो रोज़ दो हैं और इसमें कॉलम कितने थे थ्री तो हमने अब करना क्या है जस्ट देखिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू टू एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू थ्री देन एन माइनस आर थ्री माइनस टू इक्वल टू वन डायमें डायमेंशन रैंक ऑफ नल स्पेस ऑफ ए सो इट इज़ वेरीफाइड दैट डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ मैट्रिक ए इज इक्वल टू एन माइनस आर वेर एन इज़ द नंबर ऑफ कॉलम इन ए एंड आर इज़ द रैंक ऑफ द मैट्रिक ए ठीक हो गया यहाँ तक वेरीफाई हो गया डायमेंशन थियरम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है डिफरेंट नोयत के उसको देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन फोर्टीन एंड फिफ्टीन ये सेम है तीनों में एक ही काम करना है कि चेक करना है कि डिटरमाइन बी लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए फोर्टीन में है हाँ गेन सेम बी लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए इफ इट डज देन एक्सप्रेस बी एज द लीनियन कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम एक्टर फिफ्टीन भी सेम है कि फॉर इच ऑफ द मेट्रिक एंड बी given below determine if b is in the column space of a and thereby state if linear system ax equal to b is consistent same wahi wali baat hai ki agar system consistent hai then b ko aap as a linear combination of the column vector of a write kar sakte hain dekhiye ye question 10 14 15 same method mein aapko do karke dikhati hu matrix a given hai theek hai b bhi given hai same aapne isko kya karna hoga matrix equation ki form ax equal to b matrix a x is equal to b 2 1 3 ठीक हो गया। अब हमने एक्चुअली करना क्या है हमने एक्स असल में ये करना है कि आपने चेक ये करना है कि क्या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लाइक करते हैं जिनके लिए आप इसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन राइट कर लें टू वन थ्री के लिए ठीक है तो इसका आप आपने क्या करना है बेसिकली इस सिस्टम का आपने सोल्यूशन निकालना है ए और बी के लिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यूज निकाली हैं अब आप बहुत सारे मैथड पढ़ चुके हैं सोल्यूशन निकालने के अब आपकी मर्जी आप जो भी यूज़ करें चाहे तो मैट्रिक्स इन्वर्जन यूज़ करें चाहे तो क्रैमर रूल यूज़ करें ठीक है एल यू डी कम्पोजिशन भी यूज़ कर सकते हैं और ये जिस एचलॉन ठीक है गास् जॉर्डन रिडक्शन मेथड ये वाले भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है आप मैंने यहाँ पर एचलॉन मेथड यूज़ किया हुआ है मैट्रिक्स ए ले लिया ठीक है पार्टीशन कर ली इसकी बी के साथ और उसके बाद क्या किया इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा कर इसको मैंने एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया देखें एंड में मेरे पास ये सिस्टम बन गया जिसमें क्लियरली इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में राइट करूँ तो देखें क्लियरली ये क्या देगा आपको एक्स वन इज इक्वल टू थ्री बाई टू ठीक है एक्स टू माइनस एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू और यहाँ से देखें जरा जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू प्लस जीरो एक्स थ्री इक्वल टू फोर मीन्स के जीरो इज इक्वल टू फोर विच इज़ नॉट पॉसिबल ठीक है ना जीरो इज नॉट इक्वल टू फोर ठीक है ना तो विच इज़ नॉट पॉसिबल सो सोल्यूशन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डज नॉट एक्सिस्ट सो बी डज नॉट लाई इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए इसका मतलब क्या है इसका मतलब कि जो आपका सिस्टम है वो इनकन्सिस्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसके बाद फिफ्टीन के ए और बी है सेम स्टेटमेंट ठीक है ए एंड बी आर गिवन आपने चेक करना है कि क्या बी ए की कॉलम स्पेस में लाइक करता है अगर करता है देन आप बी को एक्सप्रेस करें एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम वेक्टर ऑफ ए ठीक है सेम मेथड है कि आपने करना क्या है ए का आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है ए एंड बी को यूज़ करें एंड सोल्यूशन निकालें ठीक है अब यहाँ मैंने जैसे कि आपको कहा है कि आप डिफरेंट मैथड यहाँ यूज़ कर सकते हैं मैंने आप यहाँ पर क्रैमर रूल यूज़ किया हुआ है ठीक है अपनी आसानी के लिए आप जो भी यूज़ करें आपकी मर्जी है सोलिंग फॉर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ठीक है यूजिंग द क्रैमर रूल क्रैमर रूल ए निकाला ए वन निकाल लिया ठीक है ए टू ए थ्री तीनों के चारों के डिट निकालने के बाद ये एक्स वन आ जाएगा एक्स टू एक्स थ्री सिंस देयर आर यूनिक सोल्यूशन फॉर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ठीक है सो so, इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन ऑफ द मैट्रिक ए जो है वो एग्जिस्ट करता है ठीक है इट इज़ पॉसिबल टू राइट बी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ ए देखें कैसे राइट करना है ए एक्स इक्वल टू बी लिया ठीक है ये मैट्रिक ए है ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू बी जस्ट मल्टीप्लाई करें इसको ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन इनको अलग अलग कॉलम की फॉर्म में रख दिया फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट कॉम्पोनेट एक्स वन से फर्स्ट कॉलम बन गया सेकेंड थर्ड इज इक्वल टू टू वन थ्री इसमें देखें एक्स वन कॉमन उसको बाहर निकालिया एक्स टू कॉमन है यहाँ से इसको बाहर निकालिया एक्स थ्री कॉमन बाहर ये फर्स्ट कॉलम उसी मैं रखेगा ठीक है ये सेकंड ये थर्ड चूँकि हम ऑलरेडी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यूज निकाल चुके हैं ठीक है सो so, यहाँ पर क्लियरली शो हो गया कि बी जो है बी जो है वो मैट्रिक ए की कॉलम स्पेस में लाइक कर रहा है क्योंकि हम बी को जनरेट कर सकते हैं ए की कॉलम स्पेस के लीनियर कॉम्बिनेशन से ठीक हो गया ना तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि सोल्यूशन ऑफ ए इज कंसिस्टेंट जो मैट्रिक सिस्टम ए है वो कंसिस्टेंट है ठीक है लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कहा है ना कि फंडामेंटल थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसी के पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू से देखें क्वेश्चन है डिटरमाइन द द रैंक देखेंट्रिक कुछ डाटा गिवन है आपने इसको देखना है और बताना है कि इसका रैंक क्या है देखें पार्ट ए इफ ए इज एन बाय एन मैट्रिक्स विद लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम ठीक है अब देखें फंडामेंटल थ्योरम की दो स्टेटमेंट गिवन एक स्टेटमेंट गिवन है ठीक है पहली कंडीशन क्या है कि एन बाय एन मैट्रिक है जी हाँ जी एन बाय एन मेट्रिक है और उसके साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है तो इसका रैंक क्या होगा अभी आपने जो पढ़ा था ना थ्योरम उसमें क्या था कि एन बाई एन मेट्रिक हो ठीक है एन बाई एन मैट्रिक हो एंड अगर इनमें से मैंने कहा कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो रही है देन आप इजीली जो है कह सकते हैं कि बाकी के की सारे के सारे स्टेटमेंट भी ट्रू हैं चूँकि देखें वहाँ पर है कि एन बाई एन मेट्रिक में सारे के सारे कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो मतलब कि उसका रैंक क्या होगा एन जो उसका ऑर्डर है रैंक क्या बना यहाँ से एन अगला देखें थ्री बाई थ्री मेट्रिक है डिटर्मिनट फिफ्टीन है मतलब क्या है इसका इसका मतलब डिटर्मिनेट नॉन जीरो है ठीक है बेसिकली हमसे यहाँ हमें यहाँ से ये डाटा मिल रहा है कि डिटर्मिनेट नॉन ज़ीरो है तो मतलब कि रैंक क्या होगा थ्री फाइव बाई फाइव मैट्रिक है डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री अब देखें डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए थ्री होने का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कुछ रोज थी जो कि लीनियरली डिपेंडेंट थी और उसको रिड्यूस एचल फॉर्म को कन्वर्ट करने के दौरान वो जीरो हो गई इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हम इसके रैंक मैट्रिक के रैंक के बारे में कुछ जजमेंट फिलहाल फंडामेंटल थ्री से नहीं लगा सकते लेकिन हम चूँकि पढ़ चुके हैं कि कोई भी मैट्रिक हो ठीक है उसका जो उसकी जो डायमेंशन होती है ठीक है जो उसका रैंक होता है वो इक्वल होता है रैंक ऑफ रो स्पेस या रैंक ऑफ कॉलम स्पेस ठीक है तो यहाँ पर रैंक जो है मैट्रिक ए का वो थ्री ही है यहाँ से हमको पता चल गया ठीक है अगला है ए इज़ इन्वर्टिबल फोर बाय फोर मैट्रिक्स ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट ही है ये कि कोई भी मैट्रिक हो स्केर मैट्रिक और अगर वो इन्वर्टिबल है ठीक है देन ज़ाहिर सी बात है उसका जो रैंक होगा वो वहीं फोर ही होगा ठीक है जो उसका ऑर्डर है अगला है फोर बाय थ्री मैट्रिक ठीक है देखें यहाँ पर पहले ही कंडीशन फेल हो रही है कि उसने का हमारे पास जो जो थियरम है फंडामेंटल उसमें क्या है कि जो आपका मैट्रिक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या है रेक्टेंगल तो नथिंग कैन बी सेड अबाउट दिस ए एक्स इक्वल टू बी हैज इधर यूनिक सोल्यूशन और एल्स नो सोल्यूशन ठीक है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक हमारे पास मैट्रिक ए ना हो उसको हम हल करके पकड़े चेक ना कर लें अगला है सिक्स बाय सिक्स मैट्रिक डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इक्वल टू फाइव ठीक है जो डायमेंशन रो स्पेस की है वही कॉलम स्पेस की होगी और वही मैट्रिक ए की भी होगी ठीक है तो मतलब कि मैट्रिक ए का रैंक क्या है फाइव अगला देखें ए बी आर थ्री बाई थ्री मैट्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गारंटी दैट ए एक्स इक्वल टू बी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन विच गारंटी दैट ए एक्स इक्वल टू बी डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन देखें थ्री बाई थ्री मैट्रिक है रैंक उसका टू है तो मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा ठीक है अगर बिलफर्स रैंक थ्री होता अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम जो ऑर्डर है मैट्रिक का वही उसका रैंक होता देन कह सकते थे कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है ठीक है चूंकि ऑर्डर थ्री है लेकिन रैंक टू है तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है देखिए अब यहाँ पर मैट्रिक ए थ्री बाय थ्री है और इसका इनवर्स का रैंक थ्री है ठीक yes, है यस इसका सोल्यूशन यूनिक होगा ठीक है मैट्रिक थ्री बाई थ्री है डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस चूंकि होता तो ये बराबर है लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में ठीक है टू रोज ऑफ ए आर इक्वल जब दो रोज इक्वल हो रहे हैं तो इट मीन्स के डिटर्मिनें जीरो मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टेबल तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा ठीक हो गया द कॉलम ऑफ ए फॉम बेसिस ऑफ आर थ्री कॉलम ऑफ ए फॉर्म बेसिस ऑफ आर्थ मतलब सारी के सारे के सारे जो कॉलम्स हैं वो क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जस्ट करता है ठीक है इस तरह से ये वाले भी हो जाएंगे कि ए है एन बाय एन मेट्रिक विच ऑफ द स्टेटमेंट सेम है कि बताना है यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं अगर है तो क्यों नहीं है अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ठीक है देखिए एन बाई एन मैट्रिक है रैंक ऑफ ए एन माइनस वन मतलब कि यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा ठीक है अगर रैंक ऑफ ए भी एन होता है तेन यूनिक सोलूशन होता डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इक्वल टू एन ठीक हो गया इसका भी यूनिक सोलूशन है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एन जी इसका भी यूनिक सोल्यूशन होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एन नथिंग कैन बी आ हाँ सही डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एन मतलब क्या है इसका मतलब कि मैट्रिक ए जो है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है मतलब कि मैट्रिक इन्वर्टेबल है दैन इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन एक्जिस्ट करता है रो स्पेस ऑफ ए फॉम बेसिस ऑफ आर एन हाँ जी यूनिक सोल्यूशन है क्योंकि यहाँ पर रोज स्पेस जो है जो रोज है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ठीक है एफ देखें कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू रोज स्पेस ऑफ ए कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में जी देखें जी इज नॉट द ज़ीरो मैट्रिक्स एंड ए इज़ नॉट द जीरो मैट्रिक्स एंड डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कह सकते ए इज़ नॉट द जीरो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट हाँ इसके बारे में कुछ भी नहीं जब तक कि आपके पास ए मेट्रिक ना हो ठीक है यहाँ तक ये यह हो गया इसको कीजिएगा इन ये हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हो दैन यू कैन डिस्कस इट विद मी ठीक है आल्सो अटेंडेंस लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट हम चैप्टर फोर स्टार्ट करेंगे इसको मुकम्मल करेंगे दैन ही हम आगे पढ़ेंगे ठीक है ना इसको मुकम्मल करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़